हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स आप अपने यूट्यूब चैनल पे एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हो। जो भी स्टेप या फिर जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से एंड स्क्रीन लगा सकते हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बने रहो वीडियो में एंड तक। बटाएंगे मैंने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल। सुमित की टेक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं 100 सब्सक्राइबर के। तो प्लीज़ फ्रेंड यार 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। बाय द वे, चलो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम लगाते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है या फिर आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो फ्रेंड्स आपके पास गूगल तो हो गई। सिंपली गूगल में ना सर्च बार में ना यहाँ पर आने पर आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है studio.youtube.com। जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पे studio.youtube.com सर्च करते हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी इंटरनेट स्पीड बढ़िया है। यहाँ पर मेरी इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए थोड़ा देर बाद लोडिंग करता है। लोडिंग करने बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे जो स्टूडियो लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यूट्यूब स्टूडियो यहाँ लिखा, उसके बगल में 3 डॉट लाइन दिख रही। सिंपल आपको उस 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको डैशबोर्ड के नीचे कॉन्टेंट मिलता होगा, आपको सिंपली कॉन्टेंट पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप कॉन्टेंट पर क्लिक करते हो ना, यहाँ पर थोड़ा देर यहाँ पर लोडिंग लेता है। यहाँ पर मेरे भी थोड़ा लोडिंग है, लोडिंग होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आए फेस यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने जितने भी वीडियोस बनाए होंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको इधर पे शो कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कोई भी एक वीडियो पर क्लिक करना है, उसके बगल में एक पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा। सिंपली फ्रेंड आपको उस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड आप उस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते हो, थोड़ा सा लोडिंग लेता है। लोडिंग होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस है, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपका जो यूट्यूब का वीडियो होगा, उसके नीचे फ्रेंड्स आपको पब्लिक दिख रहा होगा। पब्लिक के नीचे यहाँ पर आपको सब टाइटल दिख रहा होगा। सब टाइटल के नीचे जो एंड स्क्रीन दिख रही है, सिंपली आपको एंड स्क्रीन के बगल में जो पेंसिल वाला आइकन है, सिंपली आपको उस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप उस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन लगाना कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस और यहाँ पे मैंने अपना जो होम वाला ऑप्शन है, मतलब जो मेरे चैनल बार है, उसको यहाँ पे मैंने सेट किया है। इधर से आप वीडियो प्लेलिस्ट आपको जो भी लगाना है, आप इस तरीके से इधर पे लगा सकते हो। बताइए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बट आपको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन में प्रेस कर देना, क्योंकि हम बहुत क्लोज है 100 सब्सक्राइबर के। बताइए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।